एमसीडी की एक महिला पार्षद ने एमसीडी की कमिश्नर से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दरअसल ज्योति रछोया है, बीजेपी की पार्षद है और इनका वार्ड नंबर 37 है, नांगलोई से ये पार्षद है और इन्होंने ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी है और उसमें सीधे सीधे जो नॉर्थ एमसीडी की कमिश्नर है वर्षा जोशी, उनकी शिकायत की गई है और उनको हटाने की मांग की है। सीधा ज्योति जी से बात करेंगे। ज्योति जी, क्या वजह हुई कि आपको प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखनी पड़ गई और क्या वजह है कि ये चिट्ठी में किन किन बातों का आपने जिक्र किया हुआ है? मेरा नाम ज्योति रछोया है, मैं निगम पार्षद नांगलोई 37 नंबर वार्ड से हूँ। मेरा कहना यही है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को इस देश से हटाना है और भ्रष्टाचारी यहाँ से ख़त्म करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि शायद ये हमारे इसमें एमसीडी में भी जो ख़त्म होगी, इतनी भ्रष्टाचारी जो हद सीमा पार कर चुकी है, तो मेरा मानना यही है कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो अपने विचार हैं वो हमारे यहाँ पे एमसीडी में भी लागू होंगे। जो हमारी यहाँ की वो है कमिश्नर है वर्षा जोशी, उनका उन्होंने यहाँ पे आए हुए उनको 7 महीने हो गए। 7 महीने से मैं अपने हर वार्ड की समस्या लेके वहाँ यहाँ आती हूँ, घंटों यहाँ बैठी रहती हूँ, बैठने के बाद अपना कार्ड भी अंदर भेजती हूँ, लेकिन उनका कभी किसी मीटिंग में निकल जाना या ना मिलना, यहाँ से मुझे निराश होकर वापस अपने वार्ड में लौट जाती हूँ। अब मैंने कई देर से उनका इंतज़ार भी किया, अभी भी आज भी मेरे उन्होंने कल एक ऑर्डर जारी किया था कि जो जितने भी निगम पार्षद हैं जिनसे जो 3 बजे से 3 बजे और 4 बजे जो हर निगम पार्षद मिलेगा के, अब मैं कब से अपने घर से 11 बजे से निकली हूँ, इतना रोड के अंदर जाम के छोड़ने के बावजूद भी अब यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद 3:30 बजे मैं यहाँ पहुँची हूँ आके, 3:30 बजे से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और अभी तक कमिश्नर का कोई अता पता नहीं है और मुझे मिलने कोई वो नहीं संभावना नहीं है कि वो आज आएंगी भी और नहीं आएंगी। इतने 7 महीने से आप कमिश्नर से मिलने की कोशिश कर रही है, क्यों, क्या वजह है, क्यों उनसे आप मिलना चाहती है, किन कामों को लेकर आप उनसे मुलाकात करना चाहती है? जी, मैं अपने वार्ड की समस्याओं के लिए ही उनसे मिलने आती हूँ और जबकि कूड़ा नहीं उड़ता, ढलाव इतने भरे हुए हैं, अब ढलाव इतने भरे पड़े हैं, नाले इतने ओवरलोड हो रखे हैं, बारिशों का टाइम है, मानसून आ रखा है, जो पानी सड़कों पर आ रहा है, जो हमारे एमसीडी के स्कूल हैं वहाँ तक पानी बाहर आ रखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने दुखी होते हैं स्कूल जाते भी कुछ पानी, और उसकी वजह से स्कूलों के अंदर करंट भी आता है, तो उसकी वजह से कई समस्या लेके मैं अपनी वार्ड की यहाँ उनके पास आती हूँ। आप तो एमसीडी की खुद ही पोल खोल रहे हो, आप तो कह रहे हो कि एमसीडी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है एमसीडी में? भ्रष्टाचार जो हमारे इसके पास कमिश्नर के पास मिलने आते हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रही हूँ मैं, जो उनके पास अपने वार्ड की समस्या लेके आते हैं वो हमारी जब समस्या दूर नहीं होती तो इस समस्या इसका बात बता रही हूँ मैं। नहीं, आपने अपनी चिट्ठी में साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि जो अधिकारी है वो काम करने की बजाय भ्रष्टाचार के जो काम है उनमें शामिल है। बड़ी बड़ी हमारे वार्ड के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए कई बार मैं इनके पास आई समस्या लेके आती हूँ लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। एमसीडी के जो बड़े नेता है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, मेयर हो, क्या उन तक आपने भ्रष्टाचार का मामला पहुँचाया? मैंने अपनी वार्ड की समस्या सबको बताई, मेयर वगैरह को सबको बताया मैंने, लेकिन कोई भी बात वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। प्रधानमंत्री से आपने क्या मांग की है इस लेटर को लिख के? प्रधानमंत्री जी से मैंने यही मांग की है कि इसको भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म हो और जो हमारे वार्ड की जो समस्या है वो दूर हो और जो जितने भी अधिकारी हैं उनको अच्छी तरह बताया जाए कि जो वार्ड की समस्या है उन पर तुरंत एक्शन हो। इसमें आपने ये भी लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर है उनको हटाया जाए? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा कि कमिश्नर को हटाया जाए, जब वो हमारी सुनती नहीं है तो किस लिए वो यहाँ बैठी है। तो बिल्कुल, तो ये जो ज्योति है ये बीजेपी की महिला पार्षद है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है और एमसीडी में इन्हीं की पार्टी सत्ता में है लेकिन ये खुलकर कह रही है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसकी शिकायत वो एमसीडी की कमिश्नर से लेकर एमसीडी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन तक कर चुकी है और अब इनको मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले को लेकर खत लिखना पड़ा है, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी मांग ये की है कि जो एमसीडी की कमिश्नर है वर्षा जोशी, उनको यहां से हटाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।